बंद हो रही है अंग्रेजों के जमाने की ऐतिहासिक मिल, बड़ी तादाद में मजदूर होंगे बेरोजगार, कैसे चलेगा इनका परिवार। ऐतिहासिक जूट मिल, महावीर जूट मिल बस कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी, क्या होगा हजारों परिवारों का जिनके घर के मुखिया इस मिल में मजदूरी करते हैं। ये जूट मिल सन 1935 में शुरू हुई थी और इस मिल को उत्तर प्रदेश की पहली जूट मिल होने का गौरव भी प्राप्त है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 3 जूट मिलें थी, जिनमें से 2 जूट मिल पहले ही बंद हो चुकी है और अब ये मिल भी बंद होने को है। इस मिल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों मजदूरों के कई हजार का परिवार भी इसी मिल से चलता है। लेकिन इस जूट मिल के बंद हो जाने से ये सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनका परिवार घोर आर्थिक संकट में डूब जाएगा और इनके सामने जीवन यापन की भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी। आखिरकार इतने कर्मचारियों और उन पर निर्भर परिजनों का भविष्य। लेकिन अब क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का इलाज, आखिरकार ये सब कुछ अब कैसे होगा। यही चिंता इस मिल में काम करने वाले कर्मचारियों को खाए जा रही है। इस मुद्दे पर जब हमने इस मिल काम करने वाले मजदूरों से बात करना चाहा तो कुछ मजदूर कैमरे के सामने आने से डरने लगे और उन्होंने बताया कि कहीं उनका पैसा न काट दिया जाए। वहीं कुछ मजदूरों ने साहस कर आंखों में आंसू लिए अपनी व्यथा सुनाने लगे। आप इस महावीर जूट मिल में काम करते हैं? काम करते हैं। अब ये जूट मिल का एक यूनिट बंद होने वाला है। अच्छा, तो इससे आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे? हो गए हैं। तो इस पर आप अपने कुछ विचार रखिए। हम लोग विचार क्या बताएं, अभी मिल बंद रही, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, आधा उम्र बीत गया, उसमें हम क्या करेंगे, बच्चे मर जाएंगे खाने पीने बगैर। अब कोई बुढ़ापे में कहाँ जाएं हम लोग, इस उम्र में अब पूरा जिंदगी यहाँ गुजारे, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ। बच्चे भूखे मरेंगे, स्कूल मरेंगे, शादी ब्याह नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सब रो रो कर अंदर अंदर सब रो रहे हैं। आप इस जूट मिल में काम करते हैं? हाँ, हम इस जूट मिल में काम करते हैं। अब ये जूट मिल बंद हो जाएगी, इसके बाद फिर आपके पास क्या आधार रह जाएगा जीवन यापन का? समय जो करेगा करा जाएगा, क्या किया जाए, इस पे हमारा जोर नहीं है। घर परिवार कैसे चलेगा? चले जैसे मालिक चलाएगा। बदले में कुछ सहायता राशि वगैरह मिल रही है आपको? अभी कुछ नहीं। आर्थिक आधार रह जाएगा साहब, ये जो है 4 महीना के पहले से एकदम टाइट कर दिए थे हम लोग, एकदम प्रोटेक्शन देने पर भी तैयार थे। अब ये कि आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इनका प्रोटेक्शन का हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। प्रोटेक्शन, हाँ, ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमारा प्रोटेक्शन हो नहीं रहा है। हमारा जो है कि 2 लाख रुपए प्रतिदिन घाटा में चल रही है। 28 वर्ष हो गया हमको, अब तो मालिक बताएंगे कि हमको क्या देना है क्या लेना है। अभी बताए नहीं है कि आपको हिसाब देना है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी 5 बरस 6 बरस 8 बरस हम लोग का नौकरी, हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़ करके। हमारा पेंशन भी बर्बाद हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। हमारा बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ाएंगे। और जब हमने इस समस्या पर महावीर जूट मिल के मालिक से बात किया तो उन्होंने प्रतिदिन 2 लाख रुपए के घाटे पर मिल के न चलने और इसके साथ। मेरा नाम धीरज मस्करा है, ये जो प्रतिष्ठान है इसमें वर्तमान में यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, एक है जूट यूनिट और एक हमारी स्पिनिंग यूनिट है। स्पिनिंग यूनिट जो है उसमें हम लोग पॉलीस्टॉक का धागा बनाते हैं। अभी जो इस नोटिस की आप चर्चा कर रहे हैं वो नोटिस केवल जूट यूनिट के लिए है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पूरा प्रतिष्ठान बंद हो जाएगा। जूट यूनिट में पिछले गत हमने नोटिस में सारी डिटेल्स दी हैं। गत 10 वर्षों से अधिकतम नुकसान चल रहा था और हम लोगों ने विशेष प्रकार से कई सारी कोशिशें भी की, पिछले साल हमने कुछ विशेष कोशिशें भी की, बट उसके बावजूद भी अब ऐसी स्थिति में चीज़ आ जा रही थी कि अगर ये एक्शन हम अभी नहीं लेंगे तो फाइनेंशियल पोजिशन ऐसी बन जाएगी कि ये एक्शन अपने आप हो जाएगा। तो हम इस पोजीशन में नहीं जाना चाहते थे कि हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि जब हमारे पास स्टैचुरी लाइबिलिटीज़ हों, चाहे वर्कर की तनख्वाह की बातें हों, चाहे पावर का बिल हो, चाहे ESI के मैटर्स हों, चाहे जो भी। आज के दिन में भगवान की कृपा से हमारे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है, सब कुछ पेड फॉर है। तो हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुँचना चाहते थे कि हम लोग आउटस्टैंडिंग ड्यूज के साथ हमको किसी दिन ये फैक्ट्री बंद करनी पड़े। तो गवर्नमेंट की एक नियम कानून है, उस तहत में 90 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो हम लोगों ने वो सब असेसमेंट किया कि भाई आज के दिन में अगर ये कदम लिया जाएगा तो सब कुछ शांतिपूर्वक
हो जाने की उम्मीद है, ड्यूज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कठोर कदम था एक हम लोग के लिए। मतलब मैं ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं खुद फोर्थ जनरेशन हूँ। मेरे परदादा जी ने ये फैक्ट्री को लगाया तो नहीं था, किसी से ख़रीदा था। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरे पिताजी की पैदाइश भी यहीं की थी। तो कोई हमारे लिए आसान डिसीजन नहीं था, बट प्रतिष्ठान ढंग से ही चलता है। देखिए ऑन रोल तो हमारे यहाँ ज़्यादा लोग रहते थे, क्योंकि थोड़ा इस क्षेत्र का दुर्भाग्य बोलिए या जो भी, यहाँ पे अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ हिस्टोरिकली अनुपस्थिति करीब 30-35% तक अनुपस्थित रही है। इस वजह से आपको ऑन रोल तो ज़्यादा लगते हैं, पर हम लोगों ने उसमें ये सब भी सारे आख्यान सब जो डेटा होता है ये नोटिस में दिया जाता है। करीब 500-550 लोग के हमारा एवरेज एम्प्लॉयमेंट था पिछले महीने का। देखिए अब तो ये हिस्ट्री हो गई, हम किसी पे कोई ब्लेम करें या कुछ करें इसका बहुत कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक 4i का एक प्राविधान होता है, अगेन लेबर एक्ट का, उसके अंतर्गत वर्कर के साथ एक एग्रीमेंट किया प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन रिलेटेड और अनुपस्थिति रिलेटेड इश्यूज थे पहले, जो थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए, बट अब ये सब हिस्टोरिकल बातें हो गई हैं, इसमें बहुत जाके मतलब नहीं है। बट आज के दिन में देखिए जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो हम उत्पाद बना रहे हैं, जूट का जो उत्पाद है आज के दिन में, जो जूट का उद्योग है, जूट के उद्योग का जो पूरा उत्पाद बनता है उसका 85-90% खरीदार उसका केवल एक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरे उद्योग की डिपेंडेंस है एक एजेंसी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग मीडिया में हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है कि इस साल में गवर्नमेंट ने गेहूं की खरीदी या धान की खरीदी बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि प्राइवेट में काश्तकार को माल रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही। अब जब गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है तो उसको बोरों की ज़रूरत नहीं है, आगे बोरों का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आ रहा है डिपार्ट। इस समय कलकत्ता में जब हम लोगों ने लास्ट देखा था तो 5-6 लाख गांठ का स्टॉक था। कलकत्ता में 70-80 नब्बे जूट मिले हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा जूट मिले 50% प्रोडक्शन पर चल रही थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक हो गया था। हमारे यहाँ भी सिमिलर स्थिति, बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जूट, जैसा आपने कहा कि यूपी के इकलौते में से पहले यहाँ 3 मिले थी, 2 मिले तो पहले ही बंद हो गई, हम लोग अभी तक चला रहे थे इसको। इकलौती मिल होने की वजह से इसकी अपने डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। कच्चा माल हमको मंगाना है, वहाँ बना हुआ माल हमको भेजना है। यहाँ पे हमारे पास, मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो यहाँ पे जो हम तनख्वाह देते हैं, हम लोग वेज बोर्ड से गवर्न होते हैं, यूपी मिनिमम वेज से 50% हाई है हमारी तनख्वाह, 50% ऊपर। तो नॉर्मल इंडस्ट्री से कम्पीट करने में ऐसी उसमें बहुत दिक्कत आती है, और उसके बावजूद भी वो जो हमारी यहाँ की वेज है वो कलकत्ता की वेजेस के मुकाबले भी 2000 रुपये करीब करीब ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का डीए वेस्ट बंगाल से गवर्न होता है, हमारा डीए कानपुर से गवर्न होता है। अब ये इंटरनली यहाँ का ज़्यादा क्यों है ये हमको समझ में नहीं आता है। तो ये भी परिस्थिति पिछले 2-3 साल में रही कि हमारे यहाँ डीए निरंतर 2-2.5 हज़ार रुपये, जो कि बड़ा फिगर हो जाता है जूट इंडस्ट्री में, क्योंकि जूट इंडस्ट्री बड़ा जो उसका कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर का काफ़ी परसेंटेज हाई होती है, तो वो भी एक कारण रहा कई सालों तक लॉस होने का। आज का जो स्थिति है वो ये है कि जो ये उत्पाद है, इस उत्पाद की ही मांग कम होती जा रही है, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रह गया है इसका सोल। तो इस वजह से हम लोग को दिखाई दिया कि इस अलग से व्यवस्थित जगह में रह के और इस ऐसे प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है, प्रोडक्ट इटसेल्फ का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, अब इसमें हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई और रास्ता बचा है। यहाँ पे एक और यूनिट लगी हुई है, प्रतिष्ठान को जिंदा रखना है, तो उसके लिए हम लोग को यही कदम समझ में आया और ये हम लोगों ने लिया। मिल में जो कि गोरखपुर नगरी की एक ऐतिहासिक पहचान है, और आपको बता दें कि ये मिल बंद होने वाली है, इसकी एक यूनिट बंद होने वाली है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे काम करने वाले सैकड़ों मिल मजदूरों का क्या हाल होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। हमने हालांकि दोनों ही पक्षों की, मिल के मालिक और मिल के मजदूरों की, दोनों की ही बात सुनी। दोनों में से किसकी बात आपको ज़्यादा जायज़ लग रही है, या फिर दोनों में ही कुछ कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आखिर समायोजन दोनों में अगर हो जाए, एक एडजस्टमेंट हो जाए और ये मिल फिर से सुचारू रूप से चल पड़े, तो इसमें क्या बुराई है।
कृपा करके अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अन्य समस्याओं का भी जिक्र किया। वहीं मिल के मजदूरों ने मिल फायदे में चलने की बात कही है, पर जो भी हो सवाल तो पेट का है। क्या होगा इन मजदूरों का, कैसे चलेगा इनका पेट और कैसे चलेगा इनका परिवार, हजारों लोग की जिंदगी का क्या होगा, ये जवाब कोई कहां से ढूंढ के लाए। शिशिर श्रीवास्तव, निष्पक्ष टुडे, सहजनवाद, गोरखपुर।